आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गैरी। पोता ब्यालो या मन में रैरी, हेली करवा जो खड़ी, रहेली करवा जो खड़ी। हेर नर दोखे दोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में के सोचा है बुजुर्ग, देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता है बूढ़ा कि भगवान पोता ब्याह लो, इस ये पोता मेरा ब्याह आ जाए, मेरी आँख्या के सामने बस आनंद काया हो जाए और एक हवेली बना दूं, वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं। और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी व सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा, ना तेरे चीचू करण तक कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले, अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चों दार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि यू नाश करेगा, बस युवाड़ यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उस समय कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 68-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे, हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है। तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप मना लें बुढ़ले, तो इनको चाहिए जिनको नाम ले लिया, अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज़्यादा होनी हो वह कम टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा, जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके सर नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है अपने उस बुढ़ापे को फिर बहुत आसानी से पूरा कर जाएगा, नहीं तो ये शत्रु है। आया बुढ़ापा बैरी, जितना वृद्ध होता जाएगा, क्योंकि दो बेटे और दो बेटी, फिर उनका दो दो तीन तीन संतान है। अब दो तय के पोते के गड़बड़ होगी तो बूढ़ा दुखी, पोती का होगी तो बूढ़ा दुखी, बेटी का होगी तो बूढ़ा बुजुर्ग बुढ़िया दुखी है। तो कितनी कहाँ तक की आपत्तियाँ आने के लिए रास्ते खुल गए। और भगवान की भक्ति में जुट जा, खूब डट के,
और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुड़ गए तो निश्चिंत हो गए, जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा भाई, अपना कर्म मिलेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे।